वो कहावत है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और जो आप कहते हैं दिन में कई बार वो चीजें जो है वो सच होती हुई नजर आती है। कुछ ऐसी बात शाहरुख खान ने भी एक पुराने इंटरव्यू में कही थी कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा सेक्स करे, ड्रग्स ले, लड़कियों की जो शिकायत है लड़कियां उनकी शिकायत लेकर आर्यन की उनके पास आए, ये उन्हें अच्छा लगेगा। अब कुदरत का करिश्मा देखिए कि शाहरुख खान ने ये जो बात कई साल पहले कही थी वो साल 2021 में आकर इनकी जो मन्नत है वो पूरी हो गई। आर्यन खान ड्रग्स वाले मामले में जेल चले जाते हैं और तब से लेकर अब तक शाहरुख खान और उनकी फैमिली की सिर्फ और सिर्फ किरकिरी ही हो रही है। अब ऐसी ही कुछ बात सैफ अली खान ने अपने बेटे के लिए कह दी है और ये बात सुनकर लोग सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे हैं। सैफ अली खान ने अपनी अगली फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये कहा कि उनका जो बेटा है तैमूर, वो कहता है कि वो गंदा आदमी बनना चाहता है, बड़े होकर बैंक लूटना चाहता है, सभी के पैसे चुराना चाहता है। जिस पर रानी मुखर्जी ये कहती है कि तुम्हारा बेटा तैमूर तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिस पर सैफ कहते हैं कि हाँ उसे ध्यान देना होगा, इसके लिए मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसकी जिम्मेदारी करीना कपूर खान लेगी। करीना का ये कहना है कि वो अपने बेटों को फिल्मी दुनिया में नहीं आने देना चाहती है, वो किसी और दुनिया में ले जाना चाहती है, वो चाहती है कि उनका बेटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अब ये बोल रहे हैं कि देखो माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि सलमान भाई की तरह गाड़ी लेकर आम जनता के ऊपर चढ़ जाए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब चोरी डकैती करने की उसकी चाहत ही है तो अभी से बम बांधकर कहीं पर फूटने की भी ट्रेनिंग दे दो। तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब एक बच्चे को लेकर हम तो अपनी वीडियो में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हालांकि सैफ अली खान ने भी उस बच्चे की मासूमियत के बारे में बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल करने की वजह आप समझ सकते हैं, करीना और सैफ दोनों को ही इनके कर्मों की वजह से ट्रोल किया जा रहा है।